ओम स्कंद माते नमः। पंचम नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज स्कंद माता का दिन है, जो कि मातृत्व की देवी है, संतति प्रदान करने वाली देवी है। आज का उपाय संतति से संबंधित है। जिन महिलाओं को संतति प्राप्ति नहीं हो रही है या फिर उनको संतान संबंधी कोई परेशानी है, उनके लिए आज का उपाय बताना चाहती हूँ मैं। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ आज किसी मंदिर में आप जा सकती हैं तो मंदिर चाहिए, और जहाँ भी आपको कुछ ज़रूरतमंद बच्चे मिल सकें उनको उनकी ज़रूरत की चीज़ें दान में देनी है, हो सके तो उनको आप भोजन कराइए। बहुत अच्छा उपाय है ये, माँ स्कंद माता बहुत जल्दी प्रसन्न होती है इससे। और अगर संतति की प्राप्ति नहीं हो रही है तो वो इस समस्या को दूर करती हैं। और अगर आपके बच्चों का विवाह या फिर कैरियर संबंधी आपको कोई समस्या है, या बच्चे पढ़ाई में थोड़ा पीछे रह जाते हैं, या फिर कुछ महिलाएं आती हैं, कुछ माताएं आती हैं, वो कहती हैं कि उनका बच्चा किसी गलत संगति में पड़ गया है और बहुत चिंतित रहती हैं, ये सारी समस्याओं का निदान इस छोटे से उपाय में छुपा हुआ है। साथ ही साथ आपको एक मंत्र भी पढ़ना है, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये अचूक मंत्र है दुर्गा सप्तशती का, और मेरा अपना बहुत विश्वास है दुर्गा सप्तशती के जो सिद्ध मंत्र हैं वो बहुत अचूक काम करते हैं और आपकी किसी भी समस्या में बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं, अगर हम उन मंत्रों का जाप नियम पूर्वक रोज करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको इस तरह की कोई भी समस्या है तो आप निश्चित ही इस मंत्र का जाप कीजिए और इस छोटे से उपाय को कीजिए। देखिए फिर स्कंद माता कैसे आपकी समस्या को दूर करती है और अपना आशीष आपको प्रदान करती है। जय माता।